जी, कुछ टाइम पहले मैं सोई थी रात को, और उससे 2 दिन पहले ही मुझे मेरी मम्मा ने बुलबुल आंटी के बारे में बताया था। बुलबुल आंटी के सत्संग सुनाए थे, और मैंने कभी भी बुलबुल आंटी के बारे में सुना नहीं था। ना मुझे पता था बुलबुल आंटी हैं कौन, और ना ही मैंने उनका कोई भी सत्संग सुना था। और जिस रात मम्मा ने मुझे बताया, उसी रात जब मैं सोई तो 4 या 5 o'clock के आसपास मुझे रात को ड्रीम आया कि मैं बुलबुल आंटी के घर सत्संग में गई हूँ, एंड वहाँ पे मेरे को गुरु जी ने बुलाया सत्संग में, एंड वहीं पे ही मैं लंगर प्रसाद करने बैठी थी। जब लंगर प्रसाद करने बैठी तो आंटी ने मुझे बोला, हुने में तेन लंगर प्रसाद नहीं देना। उसके बाद लंगर प्रसाद में पंजीरी का प्रसाद था, तो आंटी ने बोला, ए पहले लंगर ए जोड़ा पंजीरी का प्रसाद है, पहले ए तू सारी संगत नू तू वंडना है। तो जब वो लंगर प्रसाद, वो पंजीरी का प्रसाद मैंने सारी संगत को दिया, एंड में उसमें थोड़ा सा पंजीरी का प्रसाद बचा था। मेरे मन में आया कि पहले वो मेरे लिए तो बचा ही नहीं है पंजीरी का प्रसाद, बट फिर एक संगत बची थी, तो उन्होंने पंजीरी का प्रसाद मांगा, फिर वो पंजीरी का प्रसाद मैंने उन्हें दे दिया। वापस जाके मैं अपनी जगह पे जब बैठी तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरा लंगर प्रसाद, आंटी मेरे लिए लंगर प्रसाद की प्लेट लेकर आई। और आंटी ने ना सबको जो लंगर प्रसाद था उसके अंदर दो दो रोटी प्रसाद थी, पर मेरी प्लेट में एक ही रोटी प्रसाद थी, और साथ में सब्जी में एक पनीर की सब्जी थी, दाल थी और कड़ी थी। कड़ी मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मेरी मेरे लंग को दर्द थी, लंगर प्रसाद की प्लेट में मेरी प्लेट में कड़ी थी ही नहीं। तो आंटी ने जब वो मुझे प्लेट दी तो मैंने आंटी को कुछ नहीं बोला, बट मेरे मन में आया तो मैंने मम्मा को बोला कि सबकी प्लेट में तो दो दो लंगर प्रसाद रोटी प्रसाद थे, बट मेरी में तो एक ही है। तो मम्मा ने मुझे बोला कि पहले तू एक खा ले, फिर बाद में देखेंगे। तो जैसे ही वो मैंने खाया, उसके बाद इतनी देर में आंटी, जब मैं बोलने लगी थी, जब वैसे ही वो रोटी प्रसाद खत्म हुई, आंटी को बोलने लगी, इतनी देर में आंटी भोग का प्रसाद ले आए। और आंटी ने बोला कि मैं इस वास्ते ही तेनों दूजा रोटी प्रसाद नहीं दिता। तो उस भोग में से आंटी ने पहला भोग प्रसाद, भोग में से रोटी प्रसाद मम्मा को बोला कि ये आप ले लो, और उसके बाद दूसरा रोटी प्रसाद मम्मा आंटी ने मुझे दिया। आंटी ने बोला, ए रीजन सी मैं तेरी प्लेट में एक ही रोटी प्रसाद रखे ऐसी। तब मैंने आंटी को, जब पूरा ये पूरा सत्संग था मेरा, जो मुझे ड्रीम था, बहुत क्लियर ड्रीम था, और ये पूरा ड्रीम मुझे गुरुजी ने दिखाया जब मेरे को मम्मा ने बुलबुल आंटी के बारे में बताया, जबकि मैं बुलबुल आंटी को जानती नहीं थी, मुझे मैंने आज तक बुलबुल आंटी को देखा नहीं था। फिर मैंने उसी दिन सुबह उठ के अपनी मम्मा को बताने से पहले मैंने मम्मा का फ़ोन उठाया, मैंने मम्मा के फ़ोन में बुलबुल आंटी की डिस्प्ले चेक करी पहले, कि जो पिक्चर मैंने देखी थी क्या वो क्लियर थी, वो सच में बुलबुल आंटी ही थी। और पूरा सत्संग होने के बाद, लंगर प्रसाद खाने के बाद, मैंने आंटी से पूछा, आंटी एक क्वेश्चन है मैं आपसे पूछ लूँ। तब आंटी से मैंने पूछा, आंटी आपका नाम क्या है? तब आंटी ने मुझे बोला कि मैं बुलबुल आंटी हूँ। तब मुझे पता चला कि वो बुलबुल आंटी थी। यही मेरा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज आज मैं यहीं बुलबुल आंटी के घर में बैठी हूँ, गुरु जी के दरबार में यहीं बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लंगर प्रसाद भी खा लिया और लंगर प्रसाद भी खा लिया, शुक्राना। मेरा पूरा सपना साकार भी हो गया। और आप बताओ ना, आप गुरु जी को मानते हो? बताओ। मैं गुरु जी को, मुझे ऐसे कोई सर्टन टाइम नहीं हुआ, मेरे को इतना पता भी नहीं है, याद भी नहीं है मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, बट कुछ टाइम पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा गुरु जी से कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं। मुझे हर तरफ, कुछ टाइम पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, उससे कुछ टाइम पहले शायद गुरु जी ने मुझसे इतनी ज़्यादा सेवा ली। बताओ प्लॉट वाला। हाँ, इतनी ज़्यादा, उससे पहले गुरु जी ने मुझसे इतनी ज़्यादा सेवा ली, इतनी ज़्यादा सेवा ली कि मैं कोविड के टाइम से इंडिया में स्टक थी। मैं रहती कनाडा में हूँ, बट मैं यहाँ इंडिया में कोरोना की वजह से फंस गई थी। मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा टाइम्स अपनी फ़्लाइट्स बुक कराई, बट वो कैंसिल हो गई। बट जब मैंने 21st टाइम अपनी फ़्लाइट बुक कराई, वो जब कैंसिल हुई, आई वॉज टोटली ब्रोक। मैं पूरी टूट चुकी थी कि मुझे वापस जाना था, मेरा बहुत लॉस हो रहा था, मुझे पता था। बट गुरु जी ने फिर मुझे हौसला दिया। उस दिन मैंने गुरु जी को बोला कि अब आप ही देखोगे सब कुछ, अब मुझसे और टॉलरेट नहीं हो रहा, आई हैव फेस्ड अ लॉट। क्योंकि सबको दिख रहा था, पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे कि 20 बार फ्लाइट बुक हो चुकी हैं और सब कुछ बार बार ख़राब हो रहा है। तो उस दिन मैं पूरी टूट चुकी थी, खाना पीना सब बंद हो गया था, अब कुछ करने का मन नहीं करता था। तो उस दिन से मैंने गुरु जी को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया था। ये शायद 6 months पहले की बात है, 4-5 months, अगर 6 नहीं तो।
तो उस दिन से गुरुजी ने मुझसे इतनी सेवा ली, मैंने अमृत वेला शुरू किया, गुरुजी से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना, बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया, कि मैं मेरे मन में जो आता था उसे मुझसे पहले गुरुजी को पता होता था। और आज मुझे पता है कि गुरुजी ने सब कुछ, जो भी मैं आज हूँ या मेरे पेरेंट्स के साथ जो भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ गुरुजी की वजह से हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे सत्संग दिए हैं शेयर करने के लिए, शायद आगे आने वाले टाइम में वो शेयर मैं करूँ और बुलबुल आंटी से शेयर करूँ तो आगे बुलबुल आंटी आप तक और पहुँचा देंगी। बहुत अभी अच्छे अच्छे सत्संग ये गुरु जी ने, बिटिया भाई कनाडा की नेक्स्ट 5 साल में प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, गुरु जी की बताओ। सच में गुरु जी की कृपा रही हम भी तो कहेंगे हम कनाडा की प्राइम मिनिस्टर के साथ सत्संग शेयर किया था हमने। मैं जस्टिन ट्रूडो दीक्षा से दीक्षा आंटी हाँ मैं आप वहाँ पे क्या करना करते चाहती हो? हूँ। मैं वहाँ पे अभी तो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ, आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, BC NDP के साथ एंड MPs ऑफ कनाडा इन वैंकूवर। एंड पहले मैं बैंकिंग में थी बट अब आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट। हम घर भी अपना ले लिया है, बच्ची ने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ गुरु जी ने बहुत स्ट्रगल करवाया है ठीक बट ऑल दैट स्ट्रगल वॉज वर्थ इट। आज वो स्ट्रगल सारा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बहुत अब ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी ने वो जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो सब एक टीचिंग थी जो गुरु जी ने बोला कि वो ज़रूरी थी। और अब उसके बाद अब मैंने वैक्सीन लगवाई थी है। इंडिया में, उसकी वजह से आई हैव गॉट अ क्लॉट इन माई ब्रेन, मेरे ब्रेन में क्लॉट आ गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। और वही टाइम था उससे कुछ टाइम पहले, उसी टाइम उससे ही शायद वीक पहले, उस क्लॉट के आने से वीक पहले गुरु जी ने मुझसे इतनी सेवा करवाई, इतनी सेवा करवाई कि मुझे दिन रात गुरु जी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। बिल्कुल मैं बिल्कुल मगन हो चुकी थी कि मुझे घर वालों ने पागल कहना शुरू कर दिया था। लिटरली यही वर्ड मेरे लिए यूज़ किया जाता था कि मेरे आसपास वाले, मेरे घर में मेरी जॉइंट फैमिली है, सारे गुरु जी को नहीं मानते, मेरा अपना भाई छोटा भाई वो भी नहीं मानता, और मेरी घर में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं मानते, तो सब ने मुझे पागल का टाइटल दिया था कि ये पागल हो गई है, इसको इस एज में इतनी भक्ति सूझ गई है, या ये इसको पागल हो गई है, इसको हर तरफ गुरुजी दिख रहे हैं, ये पागल है बिल्कुल। बट मेरी सिर्फ एक नानी जी ऐसी थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, या मेरी मम्मा ऐसी थी, मेरे मम्मा पापा और मेरी नानी जी ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि तू भक्ति कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही, कोई गलत काम नहीं कर रही, तो हम इसको मोटिवेट ही करते हैं। बाकी सब ने मुझे पागल का टाइटल दिया था विच वॉज़ वेरी डीमोटिवेटिंग, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वही भक्ति, शायद वही जो गुरु जी ने मुझसे सेवा ली, मेरे ब्रेन में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी क्योंकि क्लॉट लीड्स टू डेथ, तो और उससे ब्रेन की मेमोरी लॉस भी हो जाता है, और 1001 केसेस होते हैं जिसको क्लॉट होता है वैक्सीनेशन से। और पहली बार तो डॉक्टर्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे 10 डेज तक कि क्लॉट है ब्रेन में, तो वी हैड यू नो हम बहुत ज़्यादा सफ़र किया, 10 डेज तक कंटिन्यूसली हॉस्पिटल्स जाते रहे, कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया, फिर MRIs में डिटेक्ट हुआ। आप उसके संगत बाद को बताओ कि ये सरेंडर कैसे करते हैं? सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, तभी गुरु जी हेल्प कर सकते हैं, जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं होगा तब तक गुरु जी हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले, 2-3 डेज पहले का सत्संग है ये, जो मैंने अपने अभी फैमिली से भी शेयर नहीं करा, बस हाँ उनको एक हिंट ज़रूर दिया था कि गुरु जी ने मेरे लिए कुछ इतना बड़ा लॉस होने से बचाया है जो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती जब तक मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं कर लेती। उन्होंने मेरा लैक्स का लॉस होने वाला था जो गुरु जी ने बिना मुझे बताए, बिना किसी को बताए, मेरा उन्होंने अपने आप बचा लिया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वो भी मैंने किसी से शेयर नहीं करा, आज मैं गुरु जी के दरबार में बैठी हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम क्योंकि शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूँ ना उतना कम है, बस एक बार सरेंडर करने की देर है, उसके बाद तो गुरु जी सब कुछ अपने आप ही संभाल लेते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से बैठो, गुरु जी अपने आप संभाल लेंगे। जय गुरु जी।